वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही कम कॉस्ट का है, लेकिन वो हमारे गार्डन में जो है फूलों की काफ़ी बरसात करता है। जब हम उसको लगाते हैं तो हमारे गार्डन में जो हज़ारों फूल खिल उठते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्लांट हमारे गार्डन में होने चाहिए जिससे कि फूलों की कमी हमारे गार्डन में नहीं हो, जिस तरह से मेरे गार्डन में फूलों की कोई कमी नहीं है इस समर सीजन में। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों देखिए, आज मेरे इस मॉस रोज पे कितने सारे फ्लावर्स खिले हैं और देखिए कितने प्यारे लगे हैं। ये सफ़ेद है और गुलाबी है और येलो कलर भी है इसमें। तो देखिए कितने प्यारे से खिल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कैमरे में इतने सुंदर नहीं लग रहे हैं जितने कि ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और हर दिन रोज़ इन पर इतने सारे फ्लावर्स जो है देखने को हमें मिलते हैं। देखिए कितने प्यारे से इनमें ब्लूम हुई है। तो फ्रेंड्स, ये इतना सस्ता पौधा है तो आप इसे अपने गार्डन में ऐड ज़रूर कीजिए और हमेशा ही अपने आपके गार्डन में जो है बना रहेगा और फूल जो है देता रहेगा। तो गर्मी में जो है इतने ज़्यादा फ्लावर्स और किसी प्लांट पे देखने को हमें नहीं मिलते जितने जो है इस पर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये बास्केट्स लगाई हुई है, इनमें भी देखिए कितने भर भर के जो है फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने जो है अपना पसलिन का ये बॉर्डर बनाया था अपने गार्डन में। ये देखिए कितना प्यारा सा ये जो है गार्डन लग रहा है, और फूलों की बरसात तो इतनी हुई है कि हजारों फूल जो है खिले हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो आप भी इस जो है मॉस रोज का जो है और पर्सलिन का जो है आप अपने गार्डन में बॉर्डर बना सकते हैं और प्यारे प्यारे फूल जो है पा सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, ये इतने कम कॉस्ट का पौधा है कि 20-30 रुपए में हमें ये प्लांट मिल जाता है और सारे साल जो है ये हमारे गार्डन में बना रहता है, और समर्स में जो है ये हमें इतनी भर भर के फ्लावर देता है, हमारा गार्डन फूलों से जो है महक उठता है। तो ये काफ़ी कलर में मिलता है, आप चाहे जौन सा भी कलर पसंद करें वो ले सकते हैं। तो मेरे पास ये तीन कलर है, कुछ रेडिश सा कलर है, कुछ थोड़ा पिंक कलर है, और एक बिल्कुल एकदम से मर्जेंटा पिंक कलर है, और येलो कलर भी है। वो मेरे पास पिछले साल था, ये देख पा रहे होंगे आप, ये पास से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए। तो ये मेरे पास करीब करीब ख़त्म सा हो गया है, ये दो चार ही जो है प्लांट्स मेरे पास बचे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इनकी जो है कटिंग्स तैयार करूं। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ख़रीदे नहीं हैं, ये येलो वाला तो मेरा ख़रीदा हुआ है, और बाकी सब मैं जो थोड़ी थोड़ी कटिंग जो है अपने जो है जहाँ मुझे मिली आसपास के, जैसे मेरे नेबर्स हैं या मैं कहीं अपने जो है रिलेशन में जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे मिली, तो मैं वहाँ से इनको लेकर आई थी। और मैंने अपने गार्डन में जो है एक से दो कटिंग ही मैंने इनकी लेके आई थी, और फिर मैंने इनको देखी कितना सारा जो है इनको बना लिया है। ये देखिए, एक कटिंग से ये काफ़ी सारे प्लांट्स जो है तैयार हो जाते हैं और आपके गार्डन में जो है फूलों की बहार ही बहार कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए इस प्लांट्स को और प्यारे प्यारे से फूल जो है पाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी मैंने पर्सलिन को लगाया हुआ है, तो मैंने ये जो पीवीसी प्लांटर आपके साथ शेयर किया था, ये देखिए ये वही पीवीसी प्लांटर है, और मैंने इसमें इस पर्सलिन को लगाया, और देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स जो है इस पर देखने को मिले, और काफ़ी सारे जो है फ्लावर्स इस पर खिल रहे हैं। देखिए हर दिन ही रोज़ ही इतने फ्लावर्स इस पर जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए,